फ्रेंड्स, वेलकम टू vlogbot.com। आज मैं बनाऊंगी गुड़ से कुछ बनाते हैं। तो गुड़ खाना सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, तो इससे आज हम बनाने वाले हैं तिल वाली गजक बनाएंगे। तिलपट्टी भी आप इसको बोल सकते हैं, तिल वाली जो गुड़ से गजक बनती है वो हम आज बनाएंगे। ये सर्दियों में बहुत अच्छा है खाने के लिए, सबको बहुत पसंद आती है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पे लगभग एक कटोरी ये तिल लिया है और इसको फ्लेम पे चढ़ाया मैंने। थोड़ा सा हम इसे रोस्ट करेंगे। देखिए, आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसमें से, और मुझे यहाँ पे खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छी इसकी। इसे अच्छी तरह हमें रोस्ट कर लेना है। इससे इसमें 4 से 5 मिनट हमें लग जाएंगे। ये देखिए, इसका कलर अब थोड़ा चेंज होने लगा है, हल्का ब्राउन आने लगा है, और 4 से 5 मिनट भी हो गए हैं। तो ये रेडी हो गई है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, तिल को मैंने रोस्ट करके उससे निकाल लिया है, और अब इस बर्तन में मैंने डाल लिया है गुड़। जो एक कटोरी तिल ली थी वही एक कटोरी मैंने गुड़ लिया है यहाँ पे। इसे हम थोड़ा पिघला लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे भी। ये देखिए, गुड़ हमारा पिघल भी गया है, मेल्ट हो गया है, और साथ ही थोड़ा पकना भी शुरू कर लिया हमने। अब बीच बीच में हम इसे ये चेक करते रहेंगे कि कब हमारा गुड़ हमारी गजक बनाने के लिए तैयार है, और उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है कि हम इसे एक कटोरी जो हमने पानी का भरा हुआ है उसमें थोड़ा ड्रॉप डाल के देखेंगे। अगर वो कड़क हो जाती है तो मतलब हमारी गजक बिल्कुल रेडी हो गई है, मतलब गुड़ रेडी हो गया हमारा। तो आइए एक बार देखते हैं इसकी ड्रॉप डाल के इसके अंदर पानी में। ये देखिए, मैंने इस तरह से ड्रॉप डाल दी है। इसको थोड़ा ठंडा होने छोड़ते हैं, उसके बाद में इसे चेक करेंगे। तब तक इसे हिलाते रहिए ताकि गुड़ जले ना। अभी ये थोड़ा गीला है, थोड़ा और ठंडा होने देंगे इसे। इसे चेक करते हैं अब। ये देखिए, अभी ये नरम है, मतलब कि अभी गुड़ हमारा रेडी नहीं हुआ है। अभी इसे थोड़ा हमें और पकाना पड़ेगा। थोड़ा इसका कलर चेंज लग रहा है, आइए एक बार इसको चेक करके देखते हैं पानी में, हो जाना चाहिए इस पर। थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद में चेक करेंगे। फ्लेम कम पे ही रखनी है, क्योंकि अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। इसमें से कट आवाज़ आ गई है, मतलब कि ये रेडी हो गया है बिल्कुल। तो अब इस स्टेज में फटाफट से हम गुड़ तो हमारा तैयार हो गया है। 1 चम्मच इसमें मिला देंगे घी, 1 बड़ा चम्मच मिला दीजिए, ताकि कम रहे। और इसी स्टेज पे हम मिला देंगे इसमें इलायची पाउडर और कटा हुआ पिस्ता, जो इसके फ्लेवर को और एनहांस करेगा।
और जल्दी से कर दीजिए फ्लेम को बंद और डाल दीजिए इसके अंदर हमारे तिल जो हमने भून के रखे हुए हैं। ये देखिए तिल भी हमने भुनी हुई हमारी इसमें डाल दी है। फटाफट से कर लेते हैं इसको मिक्स, क्योंकि इसे गर्म ही हमें बनाना है। ठंडा होने के बाद में ये थोड़ी मेहनत लगती है बनाने में, प्रॉपरली बन नहीं पाता है, तो इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और एक पॉलीथिन में, पॉलीथिन के ऊपर मैं निकाल लूँगी, जिस पॉलीथिन को मैंने पहले से घी से ग्रीस किया हुआ है, ताकि ये आसानी से उसमें से निकल आए। ये देखिए इसको मैंने इस पॉलीथिन पे निकाल लिया है। इस पॉलीथिन पे पहले ही मैंने घी लगाया हुआ था। आप इसे जैसी शेप देना चाहें दे सकते हैं, बेलन से भी इसे बेल सकते हैं, और इस फिर ये हो जाएगी थोड़ी ठंडी, तब हो जाएगी ये कड़क जैसे कि हमें चाहिए। देखिए, और इसे जब ये हल्की गर्म है तभी हमें इससे पीसेस में लाइंस लगा लेनी है, कट्स लगा लेने हैं, ताकि ये आसानी से पीसेस में निकल आए, क्योंकि बाद में पीसेस इसके नहीं लग पाएंगे। तो जो भी आप शेप इसे देना चाहें वैसे कट्स इसमें लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे कट्स मैंने लगा लिए हैं इसमें स्क्वायर्स वाले। ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद में ये रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा होने देंगे। अब ठंडे होने के बाद में मैंने इसके पीसेस अलग अलग करके निकाल लिए हैं, और रेडी हो गई है हमारी तिल वाली गुड़ की चक्की। तो आप भी बनाइए इसे, सर्दियों में बिल्कुल बेस्ट है खाने के लिए। घर पे ही बनाइए, मार्केट से क्यों लानी है। तो बनाइए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।